हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एच टेट या सी टेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जनवरी 2019 में जो एच टेट का एग्जाम हुआ था उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये देख सकते हैं। ये पीजीटी का एग्जाम है। इससे पहले टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्नांकित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। ये जो मैं आंसर बता रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत है प्रीमैक का सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है? तो इसमें जो अनुक्रिया है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है। और ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके जो सब डोमेन है उनमें एप्लीकेशन एनालिसिस और सिंथेसिस आते हैं। नेक्स्ट है, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह इसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नांकित में से हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है पूर्व सक्रिय व्यवधान। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है देखने और सुनने की समस्या। बाकी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसकी विशेषता होती है सामाजिक अंतरक्रिया में समस्या, जिनमें ये प्रॉब्लम होती है वो सोशल इंटरेक्शन है वो नहीं कर पाते हैं, उनको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है और रिपीटिटिव बिहेवियर है इसमें भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नांकित में से किस प्रकार के द्वंद की सर्वोत्तम व्याख्या है? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, यह उपागम द्वंद की। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है जैसा कि एलकिंड द्वारा बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, सुनिश्चितता आग्रहिता। एट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है? तो इनमें से जो प्रदर्शन है डेमोन्स्ट्रेशन है वो लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट है, थोर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? तो ये प्रभाव का नियम है वो पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। नेक्स्ट है, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख कान हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो यह है संवेदी गामक अवस्था की। यह पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है। ये दिया गया है स्टनबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी स्टनबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा दी गई। किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं उसको संज्ञा दी जा सकती है, तो ये दी जा सकते काल्पनिक दर्शक की। सेकंड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। किशोर बालकों के दिवसोपन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो थर्ड है ये सही नहीं है।
इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के द्वारा निम्नांकित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? तो इसके द्वारा दृष्टि एवं श्रवण नियंत्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? तो इसमें अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनड रेस्पॉन्स ये बोबोडोल से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रॉनफेनब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बालक के बृहत क्षेत्र में समाहित नहीं है? तो इसमें जो विद्यालय है ये बृहत क्षेत्र में समाहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीवन स्पेस की संकल्पना एक भाग है ये है लेविन क्षेत्र सिद्धांत का लेविन्स फील्ड थ्योरी। लेविन के फील्ड थ्योरी से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है तो यह है बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। नेक्स्ट है निरीक्षणात्मक अधिगम के चार तत्वों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम है अवधान धारण करना पुनर्उत्पादन और अभिप्रेरणा। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ पहचान बनाम भूमिका भ्रम। नेक्स्ट है युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं उसको जाना जाता है इसको व्यक्तिगत मिथक से जाना जाता है। नेक्स्ट है पुरस्कार के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट यह रिश्वत का एक प्रकार है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो सेकंड है एक व्यस्त नंबर डायल करना ये स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया यह द्योतक है तो ये है आत्म परिचय का सेल्फ आइडेंटिटी का। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो थर्ड है ये सही नहीं है यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है विगोत्स्की का सिद्धांत है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? तो जी स्टेनले हाल को बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है थर्ड इसका सही आंसर। नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है? तो जो नकारात्मक पुनर्बलन है किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि जो दंड है पनिशमेंट है वो किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। नेक्स्ट है एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में सजा दी जाती है यह उदाहरण है? तो यह उदाहरण है निरीक्षणात्मक अधिगम का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो थर्ड है ये सही नहीं है यह मान्यता इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है ये सही नहीं है। बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये सही है। पियाजे का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि यह जो विकास है वो एक असतत प्रक्रिया है यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं और यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास चार चरणों में होता है। पियाजे कर्ट लेविन की थ्योरी और विगोत्स्की की थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। इस वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो क्वेश्चन आए थे वो देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप HTET, CTET, NET या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
या बीएड या जेबीटी के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।